में डू नॉट कंपेयर एंड डू नॉट बी डेस्परेट, अपना कंपैरिजन किसी से भी नहीं करें, अपनी तुलना किसी से भी नहीं करें, और डेस्परेट ना हो जाओ, बेचैन ना हो जाओ कि मुझे चाहिए और अभी चाहिए। और शॉर्टकट्स लेना अवॉइड करें, बिकॉज राहु आपको इतना मनचला बना देता है, आपको सब कुछ अभी चाहिए, आप इतने रेस्टलेस होते हो राहु के टाइम, बेचैनी, आप जो कहते हैं चैन एक पल नहीं और कुछ हल नहीं, वो कहते हैं ना मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे पूरी जन्नत जहान सब और अभी चाहिए, चाहिए, अभी अभी चाहिए चाहिए। चाहिए तो कैसे चाहिए, तो शॉर्टकट और गलत काम है, विच राहु विल पुश यू, आपको कहेगा कि हाँ करो करो, और फिर एंड में सबको मालूम है दशा के अंत में क्या होगा। तो राहु क्या है, आपको ललचा के ले जाएगा टॉर्चर रूम में, और आप जी वो एक चमकीली चीज का पीछा करते हुए पहुंचोगे, फिर वो बिल्कुल, दरवाजा करेगा बंद और कुटाई चालू। एक और चीज जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस से सीखी, मतलब मेरा एक दोस्त है, ही वॉज माई स्टडी फॉर राहु महादशा, ओके, द गुड राहु बाय द वे। उसको मैंने कहा था तेरा राहु अच्छा जाएगा लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल, यही सारी चीजें मैंने उसको समझाई थी। फिर एक ऑब्जर्वेशन के साथ में वो मेरे पास में आया, कहता भाई मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब तक तो मैं अपना फोकस रखता हूँ ना चीजों पर, तब तक चीजें सही चलती हैं। जहाँ मैं रिलैक्स हो गया कि ये काम तो हो ही जाएगा, हाँ वहां चीजें पटरी से उतरते। करेक्ट, राहु लव अ फोकस्ड मैन, राहु पनिशेस अ मैन इन इल्यूजन। जिस आदमी का फोकस सही है राहु उसका यार, और जो इल्यूजन में पड़ गया दस तरफ भाग रहा राहु उसकी जिंदगी खराब कर देगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई, पर राहु में फोकस करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस्ट वही है ना। एक चीज समझो, वो समुद्र मंथन वाली हम कथा पहले भी कर चुके हैं, फिर से शॉर्टकट में, कि जब देव दानवों में अमृत के घड़े के लिए झगड़ा हो रहा था, तो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आए और उन्होंने छल से दानवों को जहर और देवताओं को अमृत बांट दिया। उसमें बाकी सब मोहिनी के रूप से इतना मोहित हो गए कि उसी को देखते रहे। सारी पब्लिक में एक राक्षस था स्वर भानु, जिसने देख लिया कि भाई ये हो क्या रहा, तो वो भेष बदल के देवताओं की पंगत में बैठ गया और मोहिनी से उसने एक ड्रॉप ऑफ अमृत हासिल कर लिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान विष्णु को समझ आया गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने मोहिनी रूप में चक्र फेंका, उसकी सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत जा चुका था। तो सर बन गया राहु, धड़ बन गया केतु। सो फार सो गुड। अब इसके सिंबलिज्म को समझो, वो कितना बड़ा हसलर था जो स्वयं नारायण के नाक के नीचे से गेम कर गया। मोहिनी के लिए कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला का रूप उन्होंने लिया था, तो कि सब चकाचौंध हो जाए। ऐसे हालात में भी जिसने अपना फोकस रखा वो राहु। एक मैंने कहीं शेर पढ़ा था, तो मुझे ये लगा जैसे राहु और केतु ने मिलके लिखा। तो उसमें फर्स्ट पार्ट इस केतु पार्ट और आखिरी दो लाइन राहु की लाइन है। कहते उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, लाइफ बहुत मस्ती के साथ जलवों के साथ गुजरे जरूरी नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, कि हर दुख का अंत हो ये कोई जरूरी नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। दैट इज केतु, के सब छोड़ दो, जलवे नहीं चाहिए, गम भी चलने दो, तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं चाहिए, नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ जाती है, दैट्स वेरी केतु। एंड में राहु की दो लाइन है, मेरी हंसी छूट गई जिस दिन मैंने सुना था। इसकी क्लोजिंग लाइन ऐसे लगा राहु ने आके कलम छीन के लिख दी। कहता सबकी साकी पे नजर हो, साकी मतलब द वन हु इज सर्विंग द वाइन, कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे इट टाइज इन टू मोहिनी, कि मोहिनी की सब पे नजर नहीं हो सकती। राहु गेम कर गया। सो आपने अपना फोकस बचा के रखना है, ठीक है, अपने प्रायोरिटी सटीक रखने हैं, छलावों में नहीं पड़ना। राहु छलावों से मारेगा, चॉइस है, छलावे हैं, ले लिया तो फंस गए, छोड़ दिया हाँ तो बिल्कुल, और वो त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, I've lived बहुत in many बहुत years, टेस्ट वही है, लेकिन जो रिवॉर्ड बस राहु देता है बड़े खूबसूरत है। बिल्कुल अब डिपेंड बिल्कुल करता है किस खाने में, मतलब केतु हर खाने में पिटाई करता,
राहु अच्छा बैठा हुआ है, लेट्स से सेकंड में सेकेंड बैठा इलेवन है, 11th 10th, इवन फोर्थ राहु को भी मैं अच्छा मानता हूँ, तो वो बढ़िया फल देता। लेकिन हर मसले में आपको फोकस रहना है, इल्यूजन्स को नहीं चेस करना। और एक मैं एडवाइस दूंगा लोगों को, लिखना, सो दैट वो मेंटल क्लैरिटी आप लिख। किन स्थितियों में राहु इंसान को सात्विक, आध्यात्मिक और धार्मिक बनाता है? तेरी हिंदी तो क्या बात है यार, वेरी गुड। अच्छी ओके, बात है, हिंदी में हाँ, नॉलेज मेरा। गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चा आज की डेट में दे शो ऑफ कि मेरा हिंदी कितना खराब है, वो इट दैट शोज योर फुलिशनेस, इट डजंट शो योर बट मॉडर्निटी। आई स्टडीड संस्कृत ऑल्सो, आई कैन रीड ओके, चलिए। संस्कृत, रिटन आई फॉरगॉटन, बट वो भी पढ़ सकती हूँ। अरे गुरु का पीरियड आ रहा है ना, तो पढ़ेगी वापस। संस्कृत इज अ वेरी जुपिटर जुपिटर लैंग्वेज एक्चुअली। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहली चीज देखिए राहु तामसिक प्लैनेट। राहु पीरियड में अक्सर आदमी का पूजा पाठ छूट जाता है। आपने नास्तिक आदमी देखना, गारंटी से देखो नवे में राहु किसका, कहेगा मैं भगवान में नहीं मानता, बढ़ के मार के निकल जाता। राहु को भगवान से कोई ज्यादा प्रेम है, राहु को दुनिया चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा, अगर नवे राहु हो या छठे राहु, क्योंकि छठे राहु मोक्ष योग बन जाता ना, राहु केतु बारहवें एक हाउस, बार है मैं और नवे राहु तो 9th हाउस एक बैटलफील्ड बन जाता राहु दशा में। तो आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन में राहु उनकी हेल्प करता है। तो ये लोग कभी भी रिचुअल्स को नहीं मानेंगे। ओके, बट राहु पीरियड में इनको कोई ना कोई अपना उस्ताद मिल जाएगा, कोई ना कोई गाइड मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो इनको सही रास्ते पर डाल देगा। तो ये स्पिरिचुअल बनते हैं, बट इनकी स्पिरिचुअलिटी बड़ी अजीबोगरीब होती है। चलते चलते पाठ कर लेंगे, ठीक है, कभी मतलब नियमों का पालन नहीं करेगा पूजा पाठ में नवे का राहु, कभी नहीं करेगा। राहु रेबल है, लेकिन नवे खाने में बैठा हो तो आदमी को स्पिरिचुअल बनाता है। लेकिन एक चीज नवे राहु के साथ में थोड़ी गड़बड़ भी है। ओके, राहु नवे का तुम्हें ईगो बहुत स्ट्रांग मिलेगा। पूछो क्यों? राहु की दृष्टि आ गई लग्न में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, छठे का राहु आदमी को काफी स्पिरिचुअल बनाता है, मैंने देखा है, क्योंकि मोक्ष योग में बाय डिफॉल्ट उसको बनना है स्पिरिचुअल, तो वो उसका क्लीनअप होता है सारा। सो 6th हाउस राहु प्रॉब्लम्स लाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स को जीतने का मादा भी देगा। और 12th केतु है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्पिरिचुअल होगा। इसके अलावा कहीं भी बैठा हो राहु, इतनी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। अगला सवाल, किसी ने पूछा है, राहु की महादशा 60 साल की उम्र में और उसके बाद क्या करती? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे तो 42 के बाद राहु थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन 60 के बाद मैं इसको अच्छा नहीं मानता। जैसा मैंने पहले अभी एक सवाल का जवाब में कहा था कि पैशन आ गया, एनर्जी है नहीं, इट्स अ पिटी। एनर्जी है, पैशन नहीं है, यू कैन स्टिल लिव विद इट, ठीक है, बल्ले बल्ले करो, जीवन निकाल लो। लेकिन अगर कोई 65 साल का आदमी मुझे बहुत कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता दिखता, मुझे तरस आता। जवानी में राहु दोस्त है, बुढ़ापे में केतु दोस्त है। सो ये लोग थोड़े इरिटेटेड, गुस्सैल और कलेशी हो जाते हैं, तो डोमिनेट करने बिल्कुल लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। जवान आदमी झगड़ा कर रहा समझ में आता है, जब बुजुर्ग झगड़े, बचपने, इल्यूजन इन सब में आ जाते हैं, मतलब मैंने लोगों को देखा है 60 साल की उम्र में अफेयर्स चल रहे हैं उनके, बीवी बच्चे कलपते रहते हैं, पोते पोतियां हो गए, अफेयर्स चल रहे हैं। मैं बुढ़ापे का राहू, मैं अच्छा नहीं, तो बुढ़ापे में शराब पीना शुरू कर देते हैं। बुढ़ापे में बुढ़ापे का मतलब शनि अच्छा, केतु जितना अच्छा रहता है। बुढ़ापे का शनि अगेन डिपेंड्स कहाँ होता है, बिकॉज शनि का एक स्पिरिचुअल साइड भी है। ठीक है, शनि और केतु ये संन्यास के कारक है, तो शनि की मैच्योरिटी 36 है, उसके बाद में आदमी थोड़ा समझने लगता। तो बुढ़ापे में शनि आता, आदमी थोड़ा ग्रंपी और कंजूस हो सकता है, बट लेट्स से 9th हाउस शनि है आपका, या 10th हाउस शनि है, या ऐसा कुछ है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हो। और केतु संसार छोड़ के भागता है, शनि सडनली वो जो है ना धर्माधिकारी बन जाता है, वो लोगों की सेवा करने लग जाएंगे, एनजीओ खोल लेंगे, PIL फाइल करने लगेंगे, तो शनि का अलग है। बट राहु आता है अनटिल अनलेस वो 2nd 10th 11th में बैठा, मैं अच्छा नहीं मानता। इनमें भी मैं अच्छा नहीं मानता, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पैसे की हवस भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल
बुढ़ापे में आदमी को थोड़ा जो है ना वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, राहु नहीं होने देता, सो ये प्रॉब्लम है। प्लैनेट तो केतु जुपिटर सैटर्न इस तरीके के आध्यात्मिक प्लैनेट्स की दशा ज्यादा बेहतरीन रहती है, इवन इवन सन, सा क्योंकि बुढ़ापे में वो थोड़ा राजपाट आ जाता है आदमी में, तो बुढ़ापे में सन की दशा भी ठीक रहती है। बट राहु एंड शुक्र कोई बहुत हैपनिंग नहीं होता बुढ़ापे में, दुखी ज्यादा बिल्कुल करता, नहीं। दुखी ज्यादा करता। तो अगला सवाल है कि ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, राहु महादशा के आखिरी 3 साल इतने बुरे क्यों जाते हैं? और राहु में फ्रैक्चर जरूर होता है, ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं, तो फ्रैक्चर वाली चीज जरूरी नहीं है, बट राहु शनि, राहु केतु, राहु मंगल में आदमी को चोट लग सकती है, और राहु मंगल इकट्ठे हैं या आमने सामने हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज होता है। एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं, स्पेशली राहु मंगल में एक्सीडेंट होगा, खून निकलेगा। फ्रैक्चर जरूरी नहीं है, हो पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। सन अगर डैमेज हो रहा है तो हो सकता है, डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट। हाँ, आखिरी 3 साल के बजाय मैं कहूंगा आखिरी 2.5 साल, राहु चंद्र इज हॉरिबल। अगर मैं डरता हूं किसी दशा से, केतु शुक्र और राहु चंद्र, मेरे बाप की तौबा, भगवान दुश्मन को ना दिखे। सर सॉरी, मैं थोड़ा आपका ये स्क्रीन टाइम हाईजैक कर रही नहीं, स्क्रीन इज योर्स माय बच्चा, टेक इट, गो अहेड। हूँ। तो जैसे आपने अपनी स्टडीज में लिखा कि राहु वीनस आपको शिखर की चोटी तक ले जाएगा और सन आपको राजा बना के धक्के देने की तैयारी शुरू कर देगा, और पहला धक्का लगता है आपको राहु चंद्र में है, और राहु चंद्र में जो पिटाई धुनाई और मतलब असली राहु का रस, गन्ने का रस निकलता है राहु चंद्र की दशा में। आप क्योंकि राहु सर आप स्माइल कर रहे हैं तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि राहु जितनी मोह माया इल्यूजन जितना कुछ आप कहते हैं ना अपने पापों का कर्म भुगतते हो, वो आप राहु मून में जाके सही प्रायश्चित करना शुरू करते हो उसका, क्योंकि राहु सब कुछ माइंड अपने दिमाग पे अटैक करता है, असलियत में बहुत डिफरेंट होता है, सब आपका साइकोलॉजिकल होता है और मून इन्वॉल्व हो जाता है जो आपका मन है आपका माइंड है। तो सबसे ज्यादा सिवियर, डिपेंडिंग आपका मून कितनी अच्छी स्थिति में है, बट मेरे हिसाब से मेरा तो एग्जॉल्टेड है बहुत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी, आई थिंक मेरी अगर रूह कांपती है किसी दशा से तो वो राहु मून है। सही कहा आपने, हाँ मतलब मैं तभी उसी उसी समय आपको मिली थी, आपने मुझे बचाया, वरना भगवान जाने मेरा अरे क्या होता। बचाने वाला भगवान है, आई एम सो हैप्पी आई गॉट अ बच्चा। या सो दैट वाज अरे माय फर्स्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन इनटू एस्ट्रोलॉजी, और आई थिंक आपको सरेंडर तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता आपके दिमाग में जो आप पूरे राहु के 15-16 साल कहते हो ना, मैं हूँ बादशाह भगवान, मतलब अगर आप नहीं भी बोलो भगवान, कौन आपको लगता है मैं ही तो हूँ? आप वो जो लोग कहते हैं ना, यू योर एक्शंस योर डेस्टिनी, यू आर द डूअर, फलाना ढिमकाना, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें, आप उनसे मुराहू मुन में पूछो कि हाउ आर यू द डूअर, वो जवाब आई मिलेंगे नहीं से। हैव अ पर्सनल हेट्रेड फॉर दिस सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉजिटिविटी वाला दिस थिंग। इन्होंने इतनी दो नंबरियां करी हैं, दिस इज राहु मैस्करेडिंग एज जुपिटर, वो गुरु का मुखौटा लगा के राहु घूम रहा है, ये सब दो नंबर ही है, पॉजिटिव सोचो, ये करो वो करो। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, आई वॉज अ सेल्फ हेल्प जंकी सर फॉर अ हिंदी वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ सॉरी हिंदी हिंदी जी जनाब, तो मैंने सेल्फ हेल्प खूब 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 पढ़ा है, मकर लग्न, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लेकर के द सीक्रेट तक ये सारी गंदगी पढ़ी, फिर मैंने अपने मरकरी के एंड में समझा कि यार ये तो क्या कोरी बकवास है, और हमारी जो वैदिक चीजें हैं वो कितनी एक्यूरेट है, हमारी एस्ट्रोलॉजी कितनी बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं ये लफंगे वोक बच्चों से मिलता हूँ, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो भी कोई बात वो नहीं है, बट नहीं, जब इट इज अ दो नंबर या थिंग, वो आपको एक चीनी का पानी बेच रहे हैं, ठीक है। तू राहु मून में मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करके दिखा दे दिव्य। सर इंटरनेट ने जो जो लिखा था, डाइट करो एक्सरसाइज करो भागो सेरोटोनिन लेवल बढ़ाओ,
एक्टिव रहो, काम करो। मैंने एक एक चीज फॉलो करी थी बाय द टेक्स्ट बुक, और ऐसा लगता था कि दिमाग में भूत घुस गया, मुझे समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। और तब मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू करा कि भाई राहु मून है क्या, और आपका आर्टिकल आया कि ये वो चुड़ैल है आप जब बाथरूम में जाते हो और लाइट बंद करके भी लगता है भूत आ जाएगा मूवी देखते समय। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड यू सेड अगर मरना मराना है तो साइकोलॉजिस्ट को कॉल करो, मुझे फोन मत करना, मेरे पास मत आना। वो लाइन हटा दो, नहीं बेचारे डर जाते हैं राहु मून वाले। नहीं आई टेल यू, देखो एक चीज समझो, आई एम अ वेरी सिंपल कॉमन मैन, ठीक है, बी बच्चे वाला गृहस्थ आदमी। अगर कोई बंदा सुसाइडल है तो भाई एस्ट्रोलॉजर की बजाय आप सुसाइड हेल्पलाइन पर कॉल करो। वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प एनीबॉडी। तो यू गो टू अ सुसाइड हेल्पलाइन, यू टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट, देन यू कम टू, बिकॉज देखो हम लोग ट्रेन नहीं है। देखो अगर आपको एक्सीडेंट होगा रोड पे, खून बह रहा होगा, तो आप हॉस्पिटल जाओगे या आप क्या कहोगे, साहब विजय कुमार बुलाओ, हनुमान मंदिर चले? राइट, हॉस्पिटल जाओगे। तो हाँ, इनको तो ये जो भी जगह अंधविश्वास है। फैलाते हैं इसमें हाँ एस्ट्रोलॉजी में वो गलत है, मानिए नहीं, और लोग क्या है, इंडिया में मेंटल इलनेस जैसा कुछ है ये मानना ही नहीं चाहते। फिजिकल बिल्कुल ट्रीटमेंट, आपकी टांग टूटी हुई है तो पहले आप फ्रैक्चर बनवाने जाओगे, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे बैठ करके आप जो है दान पुण्य नहीं शुरू करोगे। सिमिलरली पहले आप, मैंने डिप्रेशन झेला है दिव्या, तुमने भी झेला है, ठीक है, बिल्कुल लगता है बिल्कुल ना यहाँ पे पत्थर पड़े हुए, बिल्कुल। कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल पर सर पागल जैसे जैसा। लोग ज्योतिष के पास आते हैं उम्मीद, मतलब मैं तो हमेशा से आई थिंक राहु की दशा में इधर उधर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इट वाज ट्रूली आफ्टर मीटिंग जब मैंने जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी। लोग आंसर्स ढूंढते हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि क्यों हो रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी साइकाइट्रिस्ट आपके सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं, आपको दवाइयां दे सकते हैं, फिजिकली मैनेज हो सकते हैं, पर बहुत अजीब अजीब चीजें होती है। उन्होंने बिल्कुल सही पूछा कि राहु के आखिरी 3 साल इतने भयानक क्यों होते हैं, और राहु क्योंकि मून में जैसे तुमने कहा ना, वो जो भूतनी वाला एग्जांपल, मैं उसको पूरा इलेबोरेट करके बताता हूँ कि राहु मून क्या, आपने हॉरर मूवी देखी रात को नेटफ्लिक्स पे, फोन पे लाइट ऑफ है और आप जाते हो वॉशरूम, पीछे से एक चूहा खड़ाका करता है, राइट? बिकॉज आपको क्या लगता है कि साहब पीछे भूतनी खड़ी, और जबकि बिल्कुल पता है कि असलियत नहीं थी, मूवी थी, भूतनी नहीं थी, एक्ट्रेस थी, और आज तक मेरे बाथरूम में चुड़ैल नहीं बरामद हुई, आज क्या गाएगी? तो बिल्कुल डरा रहता, क्योंकि अंधेरा डराता है, ठीक है, अंधेरा डराता है। एक बच्चा दिन में खेलता रहेगा, तुम उसको बोलो रात में बाहर जाए, नहीं जाएगा। बिल्कुल तो रस्सी भी सांप दिखती है, दैट इज राहु की बिल्कुल दशा, मन बिल्कुल। डरा रहता है, छोटी छोटी बात आपको डरा देती है, बिल्कुल आदमी का ना दिल ऊपर नीचे हो जाता है। और सर आप ऑब्सेसिव बहुत हो जाते हो डिपेंडिंग उस टाइम राहु कहाँ होता है, जिसको कहते हैं वो डर का शाहरुख खान, लिटरली, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ। पागलपन सवार, आपका जो थोड़ा बचा कुचा रैशनल माइंड होता है, जो आपका संतुलित दिमाग होता है, वो आपको कहता है कि भाई तुम क्यों सोच रही हो ऐसा, क्यों किसी के पीछे भाग रही हो या क्यों पैसे के पीछे भाग रही हो, जहां भी आपकी राहु की प्लेसमेंट है। पर वही राहु मून वाली बात आ गई कि कुछ अंधेरा, दिमाग पर अंधेरा हो गया, ग्रहण लग, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। देखो राहु और चंद्र ये दोनों दिमाग के प्लेनेट बिल्कुल हैं, ये आपकी जिंदगी के बाहर इतना इम्पैक्ट नहीं करते, सारा गेम अंदर चलता है। और चंद्रमा राहु से बहुत डरता बिल्कुल है, एंड राहु वो जो अनलीश करता है ना अपना खौफ का पिटारा चंद्रमा के ऊपर, तो आपके दिमाग में खौफ इतना भर जाता है, मतलब इस पर मेरी राय में तो कभी मेडिकल स्टडी होनी चाहिए कि भाई कॉर्टिसोल लेवल क्या है आदमी राहु मून की दशा में। सो वो भय व्याप्त रहता है, तो इट्स जस्ट अबाउट फियर। और राहु मंगल आते ही आदमी में वो करेज निकल आता बिल्कुल सर, मुझे आज तक याद है आपने मुझे 28 अप्रैल की डेट दी थी, और मैंने आपसे चैलेंज किया था कि आप रिकॉर्ड करके दोगे, लिख के दोगे, साइन करके दोगे कि है। चीजें बदलेंगे। आपने कहा था सब ले लो, तुम्हारी फीस भी वापस कर दूंगा, और बताओ क्या चाहिए। तो सिर्फ आपके उस विश्वास पर मैंने वो दिन काउंट करती थी कि क्यों होता है। तो जैसा आपने बोला, और जैसे ही 28 अप्रैल आया, धीरे धीरे, मतलब आपको समय देना पड़ेगा, ये नहीं कि 28 अप्रैल और 29 को आप पहलवान हो गए, उठे, और बट गिव इट इसको 1 महीना 3 हफ्ता दीजिए, आपका दिमाग का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जिन जो अभी छोटा डरा दुख का चूहा बन जाते हो, जो हर बात के नीचे
टेबल के नीचे घुस जाता है। मैं ऐसी डरपोक छोटी बिल्ली बन चुकी थी। पर मंगल शुरू मतलब तीन एक मतलब 1-1.5-2 महीने के बाद सब मुझे बोलते थे, तुम कटकेली बिल्ली कैसे हो गई, काटने को दौड़ती हो। मुझे मुझे वो फोन कॉल आज तक याद है। पहले तुम्हारा फोन आता था हफ्ते में 1-2 बार, अंकल वो बहुत परेशान हो, ये टिकी रहे टिकी रहे टिकी रहे टिकी रहे। आई रिमेम्बर, मैंने कहा था राहु मार सारा, निश्चिंत रहे, चीजें बदलेंगे। मैं बहुत डर गया, मैंने तू डराना शुरू कर दे, चिंता मत कर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट फोन कॉल वेरी फॉन्डली। मैंने फोन उठाया, हाँ दिव्या, मुझे रोक लो, मैं सर तोड़ दूंगी किसी का। मैंने कहा राहु मंगल आ गया, जय माता। यू आर वेरी प्राउड एवरी टाइम, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो उस या समय। बिकॉज आई वुड रादर कि भाई मेरे बच्चे बिलखने के बजाय लड़ लें, दैट्स बेटर। क्या है, थोड़ा लड़ाकापन ही तो होगा, एंड फॉर अ गर्ल इट्स नॉट ऑल दैट बैड यार। थोड़ा नहीं कॉम्बिनेशन बट राहु मंगल में ओके है। लड़कों की थोड़ी मुझे चिंता होती है, लड़ाई झगड़ा ना कर लें, एक्सीडेंट ना कर लें। लड़कियां फोन पे चिल्ला के शांत हो जाती है, दैट्स। बिल्कुल। तो तो लड़कियों का राहु राहु मून बहुत खराब जाता है, बहुत खराब, क्योंकि बहुत। ये तो मैंने लाइक आई सेड, राहु और चंद्र ये औरतों से चिढ़ते हैं, शनि केतु को और मर्दों को तकलीफ है। बिल्कुल। और सर जैसे जैसे राहु मंगल आता है आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। और ये मैंने बहुत लोगों के केस पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग थे जिनका राहु चंद्रमा और मंगल मेरे साथ साथ जुपिटर ट्रांजिशन हो रहा है, दशा में आ रहे हैं, और मैं नोटिस करती जा रही हूँ उनका, कि मंगल में अजीब सी एनर्जी, जिनसे पुराने रिश्ते राहु के आपको दिखने लगते हैं, आपको पहले गुस्सा आना शुरू होता है उनके ऊपर। आप जो इतने साल उनको कुछ नहीं बोला, जो आपने उल्लू बना आपका, या जो भी आपके साथ अन्याय हुआ या आपने किया जो भी हुआ, आपको गुस्सा आना शुरू होता है, आप लड़ाइयां करने लग जाते हैं उन दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से। धीरे धीरे आप हीलिंग के टुवर्ड्स, जैसे आप मिडवे मंगल में आते हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत सही मुझे नहीं पता, आपको कोई आप हीलिंग की तरफ जाते हो, आप ट्रैवल करना शुरू कर देते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु की दशा पास आने लगती है, आपका गुस्सा डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। और ये अगला सवाल कोई पूछ रहा है, इसमें हम उस पर बात करेंगे, आप पुराने रिश्ते छूटने शुरू हो जाते हैं, आपको वो कुछ जरूरी ही नहीं लगता। तो कहते हैं ना, राहु जो देता है 18 साल, वो सब छूट जाता है, नई शुरुआत होती है। हाँ, सो इट्स अ मिथ। देखो, जब भी महादशा चेंज होगी, खासतौर पर शनि राहु और केतु की, आदमी की जिंदगी का पूरा पैनोरामा बदल जाएगा, ठीक है, उसके हाव भाव से लेकर के और उसके रहन सहन तक। तो वो एक टाइम होता है, लोग घर बदल लेते हैं, नौकरियां बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं, सब बदल जाता है, इंसान पूरा बदल जाता है। देखो, बिल्कुल दशा का ट्रांसलेशन हुआ कंडीशन, दशा चेंज माने कंडीशन देश, महादशा चेंज यानी सारा कुछ चेंज, टॉप बिल्कुल टू बॉटम, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल चेंज आता है लाइफ में। तो आदमी अक्सर जो पुराने काम करता है उनसे वो हाथ खींच लेता हाँ। तो है। ठीक है, इनकी बात बिल्कुल सही थी सर। आपने जो पूछा, जिसने भी पूछा, कि राहु के 3 साल बहुत बुरे जाते हैं, बिल्कुल बहुत बुरे जाते हैं, बट प्लीज आप हमारी एक्सपीरियंस से, हमारे अपने अनुभव से ये बात समझिए कि वो बुरा अगर हो रहा है, और अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान या विश्वास है, तो आप मानिए जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और आप पूरे वक्त सिर्फ ये सोचिए कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया है, क्योंकि जो 15 साल हमने मजे किया, उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा, और राहु इतने प्यार से तो आपको छोड़ेगा नहीं। और आपने तो दो जैसे सर नंबरियां कहते करी हैं, हैं तो आप उनको रिग्रेट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर कहते हैं, चाटे तो पड़ेंगे। शॉर्टकट जिसने जिसने लिया, सबकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, एक्शन पाई हैव पाई की आप कॉन्सिक्वेंस, कीमत चुकाओगे इस आखिरी समय में। एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंस। या ठीक है सर, अगला सवाल। मैं तो आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट लास्ट 3 इयर्स ऑफ राहु, तो आई कैन गो ऑन। दिस थैंक इज गुड, यू। अच्छा, थोड़ा कैथार्टिक रिलीज हो। तो सर हमारा आखिरी प्रश्न ये होगा कि राहु की पूरी जर्नी बहुत उतार चढ़ाव की है। राहु ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा एक दशा दिशा में चलते जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा 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 है। तो इसमें बहुत लोग जानना चाहेंगे कि, क्योंकि राहु के नाम से सब बहुत डर जाते हैं, कि इसमें उतार तो हमें पता है, चढ़ाव वाला कौन सा समय है, कौन सी अंतर दशाएं हैं जिसमें हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। अब बाय डिफॉल्ट राहु शुक्र अच्छा टाइम होता है, राहु बुध अच्छा टाइम होता है, राहु गुरु अच्छा टाइम होता है। अगर सन आपका ठीक है तो राहु सन भी ठीक टाइम होता है। आप दूसरों को दुखी करते हो,
खुद को इतना नहीं करते। और राहु पीरियड में ऐसा नहीं, सब खराब ही खराब होगा। केतु है तो बिल्कुल वन वे ट्रेजेक्टरी मोस्ट ऑफ द टाइम, राहु रोलर कोस्टर, राहु ऐसे चलता है। और राहु पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर दशम का राहु है आपको राजा बना देगा, एकादश का है तो सेठ बना देगा, दूसरे का है तो वैसे ही बहुत पैसा देगा, और चौथे का है तो जमीन दे देगा। तो जहां बैठेगा वहां से आपको कुछ प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी। अब कोई ऐसा है कि भैया 8th हाउस राहु तो उसको ज्ञान बहुत मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो इस देश के लोगों के लिए, खास तौर पे देश की महिलाओं के लिए बड़ा सवाल है, शादी। तो भैया शादी राहु करा देता, बिल्कुल 70% शादियां मैंने राहु की दशा में देखी है। देखो मेरे एक सीनियर का एक दिन मुझे फोन आया, सीनियर भी गया, मेरे अंकल मान लो, तो ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, बोले यार एक केस है तेरे से डिस्कस करना। बोले ये बंदी है, इसकी जो है शुक्र पूरा निकल गया, शादी नहीं हो रही। मैंने कहा राहु आएगा तो? बोले राहु। मैंने कहा चचा जान वो जमाने ना 200-400 साल पहले खत्म हो गए जब शुक्र शादियां कराता था। बिल्कुल आजकल की शादियां तो राहु पे कराता, इल्यूजन है शादी। आप क्या सोचते हो लड़की मुझे खुश रखेगी, लड़की क्या सोचती लड़का मुझे खुश रखेगा, एंड में दोनों एक दूसरे को दुखी करते हैं। तरसा राहु मैरिज। और राहु अगेन इज पैशन, सो मैरिज लव, उसमें एक पैशन का एलिमेंट जब तक नहीं होता तो वो चीज हो नहीं सकती। तो राहु इस पे रिसर्च करी थी ये जो के एन राव साहब है, जबरदस्त रिसर्च, जबरदस्त। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी, फिर मैंने अपना डेटा निकाला। तुम जानती हो मैं पहले 50-60-100 चार्ट देखता हूँ, फिर मुंह खोलता हूँ उसको। फिर मैंने देखा बॉस बात तो सही है, फिर मैंने पूरे खानदान के चार्ट उठाए, 70% लोगों की राहु में शादियाँ हो रही है। तो बिल्कुल अगर आपका राहु चल रहा है, दुखी ना हो, आपकी शादी होने की बहुत तगड़ी संभावना है। सो पैशन भी है, डिजायर भी है, मटेरियल गेन्स भी है। अच्छे खाने में बैठा हुआ है तो अच्छा है, बुरे खाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थ्रू आउट खराब किसी का कोई नहीं होता, अच्छे बुरे समय उसमें आते रहते हैं, यही जीवन है। सबसे बड़ी बात ये शादी वाला मसला निपटा देता, बाकी तो चार्ट के प्लेसमेंट पर डिपेंड करता। बट अगर आप अपने पैशन, अपने डेस्परेशन, अपने फोकस को कंट्रोल में रखो, बहुत आगे जा सकते। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि भैया शिव जी की पूजा और खास तौर पर माँ काली की पूजा, बिल्कुल राहु मंत्र, राहु का चांदी का यंत्र, उसके अलावा तो 10,000 रेमेडीज हैं, बट माँ काली की पूजा से बढ़िया कोई पूजा नहीं है, रुद्राभिषेक से बढ़िया कोई शांति का नहीं, पर्टिकुलरली राहु मून में। रुद्राभिषेक तुम्हारे कितने करवाए, रिमेम्बर? क्या है, आई डिड इट दो दो बार ही करा था मैंने। वो भी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। तो राहु मून में आदमी को अपने मन को शांत रखना सबसे इम्पोर्टेंट, डरना नहीं चाहिए, अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, और राहु मून ये मेरे पर्सनल, मैंने लोगों के साथ ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता था शायद अपने साथ ज्यादा घटना चाहिए था, पर राहु मून में मैंने शिव जी की कॉन्स्टेंटली पूजा करी। मैं मंदिर जाती थी, जल दूध ठंडा चढ़ाती थी, और पूरे दिन का चैन तो नहीं बोलूंगी बट उस समय तो रहता था। और जितने नीच के चंद्रमा वाले लोग हैं सबको मैंने ब्लाइंडली बोला कि कुछ करो ना करो भाई, शिव जी के चरणों में चले जाओ, पूजा करो, उसका कोई और तुम्हें बचा ही नहीं सकता। बिल्कुल एंड लिटरली कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है शिव पूजा के बाद, मतलब इतनी जबरदस्त रिजल्ट्स हैं अपने चंद्रमा के लिए शिव पूजा के। भाई, चंद्रमा के कारक है ना शिव जी, शिवा इन अ गुड मूड इज भोलेनाथ, चंद्रमा शिवा इन अ बैड मूड इज शनि, तो माँ इन अ गुड मूड इज शुक्र, और माँ इन अ बैड मूड इज राहु। माँ काली की पूजा और भगवान शिव का अभिषेक, बिल्कुल पर्टिकुलरली जब मून, जब राहु मून शनि चलता है, लग पता जाता है बंदे को, तो रुद्राभिषेक पूजा किसी मंदिर में जाके करवाएं बहुत अच्छा रहेगा। राहु मंत्र करें, राहु यंत्र करें, माँ काली की फोटो रखें, माँ काली भयनाशिनी है, बिल्कुल जो वो भय बना रहता है उसका इलाज माँ के पास में। वो फिर हम कभी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आज बहुत लंबा हो गया।
बहुत किसी ने बहुत अच्छा पूछा कि राहु की महादशा में आप किस तरीके के लोगों